हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो। मैंने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं अमेजन से एंड मैंने अभी काफी प्रोडक्ट्स को खोला भी नहीं है। मैंने लैक्मे, स्विस ब्यूटी, शुगर, ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज किए हैं, बट मैंने कभी ऐसे लो बजट ब्लू हेवन एंड साई कॉस्मेटिक्स ये सब यूज नहीं किया है। तो मैंने फोकस किया है आज के हॉल में लो बजट ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। इस हॉल में आपको मोस्टली ब्लू हेवन एंड साई कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बट मोस्टली मैंने ये प्रोडक्ट्स को फोकस किए हैं आज। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शैडो। ये काफी क्यूट सा पैकेजिंग है एंड मुझे बहुत दिनों से ये लिक्विड आई शैडो लेने का मन था एंड फाइनली आई ऑर्डर इट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। काफी क्यूट सा वॉन्ड है इसमें ये एंड मैं इसका एप्लीकेशन देख लूं। ओह गॉड वाओ, लेट मी शो यू द एप्लीकेशन। काफी ज्यादा पिगमेंटेड है ये। ओह गॉड वाओ, इट इज सो पिगमेंटेड। This eyeshadow I'm going to use it for my party look. See, party look के लिए काफी perfect eyeshadow है and I love it. I just love it. अभी मुझे इसे लगाए हुए blend किए हुए सिर्फ 7 to 8 seconds हुए होंगे and ये dry up भी हो गया है and अगर मैं इसे ऐसे smudge करूँ तो it is not removing. थोड़ा हाथ में particles आ रहे हैं but this is still over here मेरे हाथों में। आपको इस हॉल में जितने भी प्रोडक्ट्स दिखने वाले हैं मैं उसका प्राइस आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पे दे दूंगी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एंड मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। एंड दिस मेटालिक स्विस ब्यूटी लिक्विड आई शेडो, दिस इज सो पिगमेंटेड एंड दिस इज लव। ये आई शेडो मैंने मंगाया है शेड 05 रोज गोल्ड रेट्रो में एंड ये मेटालिक लिक्विड आई शेडो, दिस इज सो शिमरी एंड इसका पिगमेंटेशन इज वेरी नाइस। आई एम श्योर यू आर गोना लव दिस टू। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस हॉल में है वो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर पैलेट। काफी टाइम से मुझे ट्राई करना था कंसीलर पैलेट। इसकी पैकेजिंग काफी कंपैटिबल है एंड द प्रोडक्ट इट लुक्स लाइक दिस एंड ये आराम से आप ऐसे खोल सकते हैं एंड इसमें काफी सारे कंसीलर पैलेट हैं, यू कैन सी ओवर हियर। मैंने ये पैलेट बेसिकली इस ऑरेंज कलर करेक्टर के लिए मंगाया है बिकॉज मुझे यूज करना था ऑरेंज कलर करेक्टर एंड आई डोंट हैव वन, सो मैंने इसके लिए मंगाया। मुझे और कहीं एक ऑरेंज कलर करेक्टर स्टिक नहीं मिल रहा था तो मुझे ये ही दिखा एंड मैंने इसको ऑर्डर किया है। नेक्स्ट मैंने ये आई मेकअप ब्रश सेट मंगाया है एंड ये 4 के सेट में अवेलेबल है। यू कैन सी मैंने ऑलरेडी इसे यूज कर लिया है, इसमें आई शेडो लगे हुए हैं। मैंने एक मेकअप ब्रश सेट का वीडियो बनाया एंड उसके लिए आई ऑलरेडी यूज दिस ब्रश। मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट यू कैन चेक दैट आउट। दीज ब्रशेस आर सो सॉफ्ट एंड नाइस, काफी हैंडी है ये एंड इसका कलर एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस। मेरे पास ऑफकोर्स कंपेयर करने के लिए कोई और ब्रश नहीं है तो मुझे तो ये काफी बेटर लगा। दिस ब्रश इज बजट फ्रेंडली एंड अगर आप एक बिगनर हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस ब्रश। नेक्स्ट इस हॉल में हमारे पास लव अर्थ का लिप्स एंड चीक टिंट एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स। काफी क्यूट एंड हैंडी सा पैकेजिंग है इसका। द प्रोडक्ट का वेट इज 8 ग्राम एंड ये मैंने मंगाया है किस एंड टेल शेड। काफी क्यूट सा छोटू सा डब्बा है ये। इसके अंदर एक और ये कैप है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल है इसे खोलने के लिए। इसकी टेक्सचर की बात करें तो काफी क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, यू कैन सी काफी क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। दिस इज सो क्रीमी एंड बटरी। मैंने अपने चीक्स पे भी अभी इसी शेड को लगाया हुआ है। नेक्स्ट इस हॉल में है हमारे पास एक दूसरा लिप एंड चीक टिंट एंड दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसकी भी पैकेजिंग काफी सिमिलर एंड क्यूट है एंड दिस इज इन द शेड ब्लश कोरल कैंडी। काफी सिमिलर सा पैकेजिंग है दोनों का। इफ हम दोनों के पैकेजिंग को कंपेयर करें काफी सिमिलर है। द वेट ऑफ दिस स्विस ब्यूटी लिप एंड चीक टिंट इज 8 ग्राम ऑल्सो, बट दोनों के प्राइस में काफी डिफरेंस है। स्विस ब्यूटी का टिंट का प्राइस इज 199 वेयर एज इसका प्राइस इज 599, तो प्राइस में काफी डिफरेंस है, अमाउंट इज सेम। लेट्स सी इसका टेक्सचर कैसा है। स्विस ब्यूटी टिंट के अंदर भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैप दिया हुआ है एंड इसके ऊपर भी ये हैंडल है इसे निकालने के लिए। द टेक्सचर इज सेम, काफी क्रीमी सा टेक्सचर है इसका भी। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे दोनों का एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा एंड स्विस ब्यूटी का कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस। द कलर इज कोरल कैंडी। काफी क्रीमी एंड स्मूथ टेक्सचर है ये दोनों लिप एंड चीक टिंट का, बट द प्राइस डिफरेंस इज ह्यूज। इफ अगर आपका बजट लो है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट स्विस ब्यूटी लिप एंड चीक टिंट। नेक्स्ट इस हॉल में हमारे पास ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जेट लाइनर। मुझे काफी टाइम से एक जेट लाइनर भी चाहिए था, मेरे पास वो लिक्विड लाइनर है बट कभी कभी मुझे उससे प्रॉब्लम होती है यूज करने में, सो मैंने ये जेट लाइनर मंगाया है। लगा के देखते हैं इसे। वाओ, काफी स्मूथली ये ग्लाइड हो गया। इसका एप्लीकेशन इज सो अमेजिंग। इसका स्मज टेस्ट करके भी देख लेते हैं एक बार ये स्मज प्रूफ है या नहीं है।
वाओ दिस इज सो नाइस एंड ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है. सो लेट्स मूव अहेड इनटू द वीडियो. एंड मैंने ये प्राइमर मंगाया है, एक ब्लू हेवन का एंड एक इनसाइड कॉस्मेटिक का है. इसका वेट इज 30 ग्राम्स एंड MRP 350. मैंने जिस प्राइस में मंगाया है वो मैं आपको नीचे स्क्रीन में दे दूंगी. काफी क्यूट एंड हैंडी सा पैकेजिंग है इस प्राइमर का भी. इसे एक बार लगा के देख लेते हैं हम. ऐसे ट्यूब में आता है. दिस इज सो नाइस. इसे मैं यहाँ लगा के देख रही हूँ. दिस इज ब्लू हेवन का प्राइमर. द टेक्स्चर इज वेरी सॉफ्ट और मुझे थोड़ा सा ये ऑयली सा लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक इस प्राइमर से आपको एक ड्यूई फिनिश मिलेगा. काफी सॉफ्ट सा है, बिल्कुल बटर सा है, बट थोड़ा ऑयली सा है. अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर दिस प्राइमर, बिकॉज मे बी शायद आपको आपका फेस बहुत ज्यादा ग्रीजी सा लगे. नेक्स्ट हम इनसाइड कॉस्मेटिक के प्राइमर को देखते हैं. दिस इज पोर मिनिमाइजर प्राइमर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. एंड ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का सबसे छोटा वाला पैक था प्राइमर का. दिस इज 10 मिलीलीटर. काफी छोटू सा क्यूट सा पैकेट है. एंड ये बेसिकली मैंने ट्रायल पर्पस के लिए मंगाया है. मुझे ट्राई करना था इसका प्राइमर. इसका एप्लीकेशन देखते हैं. ये कुछ ऐसा पिंक कलर में है इसका एप्लीकेशन. इसका एप्लीकेशन भी काफी स्मूथ है एंड मुझे दोनों बिल्कुल सेम से लगे. मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा दोनों प्राइमर में. जैसे मैं शुगर का प्राइमर यूज करती हूँ एंड वो मुझे काफी वॉटरी एंड ड्राई सा लगता है. ड्राई एज इन बिल्कुल ग्रीजी नहीं है शुगर का प्राइमर. एंड ये दोनों प्राइमर मुझे थोड़े ग्रीजी से लगे. जो ब्लू हेवन वाला प्राइमर है वो थोड़ा ज्यादा ग्रीजी है. आई होप ये दोनों प्राइमर फेस को बहुत अच्छे से प्राइम कर पाए. अगर आपको इन दोनों प्राइमर का रिव्यू एंड कंपेरिजन चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. नेक्स्ट हमारे पास इस हॉल में है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ग्लो हाईलाइटर. इसमें ये चार शेड एंड द वेट इज 15 ग्राम्स. दिस इज हाउ इट लुक्स. सारों काफी प्यारे शेड लग रहे हैं. इनका पिगमेंटेशन मैं देख लूं कैसा है. दिस इज फर्स्ट कलर. वाओ काफी अच्छा पिगमेंटेशन है इसका. दिस इज सेकेंड कलर. दिस इज थर्ड वन. दिस इज फोर्थ वन. बट इनका पिगमेंटेशन इज वेरी नाइस. ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया है ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट. बट ये मुझे कुछ ऐसे कंडीशन में मिला है. इसका एक आई शेडो इसके ऊपर ये शीट लगा हुआ है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया. एंड ये आई शेडो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी टूटा हुआ है पहले से. आई होप ये क्लीन हो जाए यूज करते करते. मैं इन सारे आई शेडो का एक फास्ट एप्लीकेशन करके आपको इस हैंड में दिखा देती हूँ. फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड. एक्चुअली वो ब्लू आई शेडो टूट के इसमें गिर गया तो सब में वो ब्लू फास्ट आ चुका है. फोर्थ वन, फिफ्थ वन, काफी लाइट से है ये. सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन आई शेडो जो टूटा हुआ है ग्रीन डार्क ब्लू वाइट. दिस इज ग्रे येलो. मुझे पिगमेंटेशन वैसे तो कुछ खास लग नहीं रहे हैं. मैं इस आई शेडो पैलेट से एक आई मेकअप लुक ट्राई करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में. आई होप इट लुक्स बेटर इन दैट बिकॉज हैंड पे मुझे इसका पिगमेंटेशन तो वैसा कुछ समझ नहीं आ रहा है. काफी मीडियम सा पिगमेंटेशन है. लो नहीं बोलूंगी, हाई भी नहीं है, बट ठीक ठाक पिगमेंटेशन है, नॉट वेरी नाइस. नेक्स्ट मैंने मंगाया है दो मेकअप फिक्सर एंड ये मैंने मंगाया है एक ब्लू हेवन से एंड दूसरा इनसाइड कॉस्मेटिक से. मुझे इन दोनों के मेकअप फिक्सर ट्राई करने थे. मेरे पास स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है एंड इट वर्क सो अमेजिंग एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई अदर ब्रांड्स एज वेल. तो ये मैंने दोनों मेकअप फिक्सर मंगाया है. देखते हैं ये कैसा काम करता है. दिस इज द ब्लू हेवन वन. आपको प्राइस नीचे मिल जाएगा. द वेट इज का वेट इनसाइड कॉस्मेटिक्स का वेट इज 75 मिलीलीटर एंड ब्लू हेवन का वेट इज 60 मिलीलीटर. बहुत ही छोटे यहाँ पे अक्षरों में लिखा है, मुझे दिखाई नहीं. सो दिस इज ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर. मिक्स कर लिया. नाउ इसे मैं इस हाथ में लगा के देखती हूँ. नाउ लेट्स ट्राई इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर. ये कुछ इस टाइप के बॉटल में है. This is not transparent though. Shake it. Now इसे use करूँ मैं. Try होने देते हैं इन दोनों को.
जब तक ये सूखता है मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन कर लिया है जिसको इसे टाइम लगेगा सूखने में। नेक्स्ट मैंने मंगाया है मिनीसो का ये मिरर। एक्चुअली मैं जब मेकअप करती हूँ मुझे देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल ऐसे कैमरा में मुझे जाके देखना पड़ता है मैंने कैसा मेकअप किया, एंड कई बार तो मैं देख भी नहीं पाती हूँ, इसलिए अपने कंफर्ट के लिए आई गॉट दिस मिनीसो का मिरर। कुछ ऐसे आया है जो इस तरफ का मिरर है उससे आपको बिल्कुल सेम डिस्टेंस का दिख रहा है, एंड दिस इज 2x। ये मिरर फेस पे जो आप मेकअप करते हैं, आई मेकअप करते हैं, ये उसके लिए है। ओह गॉड माय फेस इज लुकिंग सो बिग इन दिस मिरर, बट थोड़ा धुंधला सा मुझे लग रहा है, डोंट नो व्हाई। आई थिंक ऐसे करके, हाँ ये परफेक्ट है, ऐसे मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है इतने पास से। आई थिंक मुझे ऐसे देखना पड़ेगा मेकअप करने टाइम जब मैं अपना आई मेकअप करूँ तो। एंड इसके साथ ये स्टैंड भी है, एंड स्टैंड के नीचे ये कुछ स्पॉन्ज नहीं बोलूँगी, बिल्कुल हार्ड सा ये स्पॉन्ज कार्डबोर्ड टाइप लगा हुआ है सो दैट इसे सपोर्ट मिले। मैं इसे लगा के दिखाऊँ आपको, ये लग गया, ये कुछ ऐसा है कि ये मेकअप फिक्सर दोनों सूख चुके हैं, मैं इनको स्मच करके दिखाऊँ आपको। नॉट बैड, ओके थोड़ा स्मज हो चुका है, इधर मैंने ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर लगाया था थोड़ा स्मज हुआ है, बट नॉट बैड, ओके प्रोडक्ट है। सी मेरे फिंगर्स पे आ गए हैं नाउ। इधर मैंने इन साइट कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर लगाया था, इसे देखो स्मज करके, ये भी थोड़ा स्मज तो हो रहा है, थोड़ा स्मज तो इधर भी हुआ है, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा स्मज हुआ है, बट आई थिंक ठीक है, ओके प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा वाव मुझे नहीं लगे दोनों प्रोडक्ट, बट दोनों ही काफ़ी ओके प्रोडक्ट है, एंड वी कैन यूज़ दिस। ऑफकोर्स मैंने मंगाया है तो अब तो यूज़ करना ही होगा मुझे। हमारा सबसे लास्ट प्रोडक्ट है आई शेडो पैलेट, एंड ये काफ़ी बड़ा आई शेडो पैलेट है। मैं बहुत दिन से देख रही थी इस आई शेडो पैलेट को, मैंने फाइनली ये ऑर्डर कर दिया, मुझे ये डिस्काउंट पर मिला। बिल्कुल एक नोटबुक के जैसा है ये आई शेडो पैलेट, एंड अभी तक मैंने इसे खोला भी नहीं है। I'm so excited. इधर से खोलेगा, इधर से। इसमें एक मिरर भी है सामने, ऐसा क्यूट सा मिरर लगा हुआ है सामने छोटा सा। वाव नाइस, लुक। इसके ऊपर ये प्लास्टिक का ये प्रोटेक्ट करने के लिए शीट लगा हुआ था। लुक एट द कलर्स बॉस, लुक एट द कलर्स, ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दिस वन। ओ गॉड ये सिल्वर वाला कितना सुंदर लग रहा है शैडो, जस्ट लुक एट दिस शैडो, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे ऐसा चाहिए था, दिस इज अ प्रेस्ड ग्लिटर आई शैडो, एंड मुझे ऐसा आई शैडो चाहिए था, एंड फाइनली आ गया, आई गॉट दिस। लुक एट दिस, इतना प्यारा कलर है इस आई शैडो का। Wow, this is purple peppermint, but this is not purple, this is orange. Golden is also looking very nice. ये golden. इसमें सारे matte and glitters eye shadow हैं, and आप इसे casual look, party look, हर look के लिए आप इसे use कर सकते हैं. Oh god, I'm definitely going to use this palette. But उतने ज़्यादा bright colours इसमें नहीं है, थोड़े dull से मुझे लग रहे हैं colours. This eyeshadow palette is from brand SFR Colors, and काफ़ी दिनों से I was eyeing on this one, and finally I ordered this. मुझे ना bright colors बहुत अच्छे लगते हैं, इधर है कुछ कुछ bright colors, इधर 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 ये भी है bright, this one ये तो काफ़ी प्यारा, वो काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे, oh wow, God, wow, this eyeshadow is so nice. काफ़ी छोटे छोटे प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं इसमें, वाह। ओके, अगर आपको इस आई शेडो पैलेट का रिव्यू चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी ज़रूर। सो अब होते हैं मेरे सारे प्रोडक्ट्स कंप्लीट। यस, बस इतने थे, आई थिंक मैंने 14 प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं, एंड आई थिंक मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स ही थे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, एंड आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।